हेलो दोस्तों, मैं अमिताभ आपका आयुष्मान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो है जो GIC मतलब राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, जिसका फॉर्म 2015 में निकला था और जिसका एग्जाम हुआ था 25/9/2016 में, उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैं पाँच लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा छठा लेक्चर है उस पर। ठीक है, तो ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले जो है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में वीडियो जब आप भी आपको पसंद आ जाए तो उसी समय लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। जो है अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो भी लोग जो है GIC प्रवक्ता की जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये फ्रूटफुल होगा, उनके लिए उपयोगी होगा, जो तो उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ, जो है कि GIC का जो बैच है अभी जो है ऑलरेडी अभी जो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगर उसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो 8128618579 पे इंक्वायरी कर सकते हैं उस बैच के बारे में। अगर आप यूपी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी बैच जो है अभी स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी आप जो है जुड़ सकते हैं हम लोगों से। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जो कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती पांच लेक्चर में 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर क्या होगा, जो है 6 होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग 61 से लेकर 70 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ जो जो पुराने पांच लेक्चर है उसको आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 4 एंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू हैज इक्वल रूट, देन क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो पहला इक्वेशन का एक रूट कौन है, 4 है, इसका मतलब 4 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के जहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4p हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 और 12 कितना होगा 28, राइट में 28 -28, 4 से डिवाइड करेंगे तो पी की वैल्यू -7 आ जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा इक्वेशन दिया उसके इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, पी है, मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए कितना है 1 है और सी कितना है क्यू है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा ना, तभी तो इक्वल रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हम लोग यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं, पी इज इक्वल टू -7 है, उसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 को आप लेफ्ट में ले लीजिए, तो क्यू की वैल्यू देखिए एक ही स्टेप में आप निकाल सकते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49/4 आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, द फॉलोइंग थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स कॉमा 1/1 माइनस एक्स कॉमा 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स। पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, अगर पहले हमें समांतर श्रेणी में इसको चेक करना है तो समांतर श्रेणी में कोई चीज़ कब होती, तीन नंबर समांतर श्रेणी में कब होते हैं, जब 2b इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस। अगर तीन नंबर ए बी सी हैं, अगर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होल्ड हो जाएगा तो हम कहेंगे वो समांतर श्रेणी में है। तो ए का मतलब पहला नंबर, सी का मतलब तीसरा नंबर, इन दोनों को हम लोग ऐड करके पहले देखते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो दोनों ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा इसका एलसीएम, मतलब 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स, ये दोनों एलसीएम हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे आप, 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्या है, इसका बीच वाला टर्म है, मतलब ये 2b के बराबर आ गया। ये इसको अगर हम a प्लस सी बोले तो ये किसके बराबर आ गया, 2b के बराबर आ गया। इसका मतलब जो गिवन नंबर्स हैं वो किस में है, ap में है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिमिट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कहा जा रहा है, 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n, ठीक है, और होल टू द पावर कितना है, 1/n है। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं बात करूँ, अगर इसका फॉर्म आप चेक करना चाहें तो 4 की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 5 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या इसके लिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 5 की पावर n इसमें से कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 4/5 की पावर कितना बचेगा, n बचेगा, और होल टू द पावर कितना, 1/n है। ये जो 5 की पावर n को जब हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 5 बाहर आ जाएगा, और अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस
फोर बाई फाइव की पावर कितना हो जाएगा एन, और होल टू द पावर कितना हो जाएगा वन बाई एन। अब जरा लिमिट आप अप्लाई करवा के देखिए, इन्फिनिटी पुट करेंगे, फोर बाई फाइव नंबर जो होता है ना ये लेस देन वन होता है, और कोई भी नंबर अगर लेस देन वन है उसके पावर इन्फिनिटी आप लगाएंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइव हो जाएगा ब्रैकेट में वन प्लस जीरो, और होल टू द पावर वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है जीरो होता है। तो कुल मिला के फाइव इंटू वन की पावर जीरो, और वन की पावर जीरो वन होता है, तो कुल मिला के आंसर हमारा कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, डेरिवेटिव और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब प्रतिलोम व्युत्पत्ति फलन और आपका अवकलन से जो है मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। कहा जा रहा है साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको निकालना किसके रेस्पेक्ट में, कॉस इन्वर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझते हो तो कॉस इन्वर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ही होता है साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ही होता है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स में डेरिवेटिव तो वन आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बताने की बात नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझते तो मैं एक लाइन में आपको बता देता है, इसमें इसमें आप पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू पुट कर दीजिए साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस इनवर्स का कॉस थीटा थीटा होता है, और थीटा यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। देखिए मैंने आपको प्रूव कर दिया कि जो जो हमारा कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट पूछा जा रहा है, कितना आएगा वन ही तो आएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लिया गया है और ये डायरेक्ट डेफिनेशन पे बेस्ड है। फॉर ए ग्रुप जी द फैक्टर ग्रुप जी बाई एच देखिए इज डिफाइंड व्हेन द सब ग्रुप एच इज व्हाट। देखिए फैक्टर ग्रुप तभी डिफाइंड होता है जब ये नीचे वाला जो सब ग्रुप है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप हो, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट डेफिनेशन है, एकदम जस्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से लिया गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें मैं एक ही कॉन्सेप्ट एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, उसे क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते ही बता देंगे आप इसको। देखिए जब भी e की पावर x लिखा रहे ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स लिखा रहे, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इंटीग्रेट करने की इसको जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर क्या लिखेंगे e की पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस c, ठीक है, प्लस सी, ये इसका फार्मूला है। तो देखो ऊपर वाले को मैं वैसे ही सेट करने जा रहा हूँ, ई की पावर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा वन बाई एक्स, और माइनस कितना है वन बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन यहाँ लगा हुआ है वन से टू लगा हुआ है, ठीक, और बाहर क्या लगा हुआ डी एक्स। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ई की पावर एक्स तो बाहर है, और वन बाई एक्स को अगर आप क्या बोल देते हैं फंक्शन, तो वन बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला फार्मूला मैच कर गया, e की पावर x लिखा होगा ब्रैकेट में फंक्शन लिखा होगा प्लस उसका डेरिवेटिव, प्लस डेरिवेटिव का मतलब देखिए यहाँ प्लस बना दीजिए भीतर माइनस बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है e की पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स कितना वन बाई एक्स, मतलब इसका आंसर कितना आ गया e की पावर x अपॉन x, और लिमिट कितना है वन से टू लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट आप इसमें पुट कर दीजिए, टू पुट करेंगे तो ई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस वन पुट करेंगे तो ई आ जाएगा, ई को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से ई बाई टू माइनस वन आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ई ई बाई टू माइनस वन आपका जो फर्स्ट ऑप्शन हो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका जो है ना वो भी किससे लिया गया है, वो भी आपका वो इंटीग्रेशन से लिया गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, कहा जा रहा है जीरो, देखिए अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, अगर ए टू बी ए टू बी या जीरो टू ए बी से भी काम करता है कोई दिक्कत नहीं, ए टू बी ये मोस्ट जनरल है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ जहाँ पर एक्स रहता है वहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो आइए इसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया गया है आई इज इक्वल टू जीरो टू ए एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ, जहाँ पर एक्स है मैं वहाँ पर रखूंगा a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब जीरो प्लस ए माइनस एक्स, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं a माइनस एक्स रखूंगा, ऊपर वाली प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ x के जहाँ पे a माइनस एक्स, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए जीरो टू a और a इंटू एफ ऑफ a माइनस एक्स और फिर माइनस x टाइम जीरो टू a और x टाइम्स वाट एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, डी एक्स आप लगाना नहीं भूलेगा यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको। अब देखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो अगले स्टेप में ए तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और जीरो टू ए मैं इसको क्या लिखूंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखूंगा, यहाँ पे भी डी एक्स था कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लास्ट में भी डी एक्स है, और माइनस माइनस यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा जीरो टू ए एक्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस एक्स को आप क्या बोलना है, एफ ऑफ एक्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो आई था हमारा ना, ये आई क्या था, आई को जरा ध्यान से देखिए, आई तो यही था ना, जीरो टू ए एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे जो है जीरो टू एक्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या बन चुका है, ये तो आई बन चुका है। अब हमारे पास देखिए क्या बचा, हमारे पास बचा, हम लोग आई से स्टार्ट किए थे ना, तो आई इज इक्वल टू क्या बचा, ए टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और माइनस कितना बना आई, आई को लेफ्ट में ले लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा टू आई इज इक्वल टू वॉट, ए जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स बचेगा। ठीक, अब इस टू को हम लोग नीचे ले लें तो आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बाई टू और जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बाई टू जीरो टू ए बाई टू जीरो टू एफ एक्स डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहा जा रहा है, ए बी सी आर एनी थ्री वैक्टर सच दैट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन को आप डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रा वगैरह लगाइए इसमें जो है, डिटेल में सॉल्व करिए, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट मैं आपको इसको शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ, मैं इतना चीज़ों में नहीं जाऊँगा। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है तो वेक्टर को एडिशन का, वेक्टर के एडिशन का क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव साइड्स, मतलब दो दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो, इसके अलावा वेक्टर्स हों, सपोज ये ए है ये बी है, तो इसका जो ये वाला डायगोनल होता है ना वो कितना होता है, ए प्लस बी होता है, ये वाला डायगोनल कितना होता है, ए प्लस बी, और जो ये वाला डायगोनल होता है ना वो कितना होता है, ए माइनस बी होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए प्लस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी और सी परपेंडिकुलर है। तो सी वेक्टर में क्या करता हूँ ना, सी वेक्टर में इस प्लेन के परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, सी वेक्टर में इस प्लेन के क्या ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। तो ए प्लस बी और सी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो, और साथ ही साथ ए माइनस बी और सी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन देखिए होल्ड हो जाएगी, ए माइनस बी और सी का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा, ए प्लस बी और डॉट सी का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। तो ये फिगर जो है इस कंडीशन को होल्ड करता है। अब मुझे निकालना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। अब देखिए अगर ए और बी प्लेन में लाई कर रहा है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जिधर सी की डायरेक्शन है उधर ही तो होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी और सी दोनों आपस में पैरेलल है, ए क्रॉस बी और सी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो जीरो आता है। क्यों आता है जीरो, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, पैरेलल है मतलब थीटा जीरो है, साइन जीरो कितना आएगा, जीरो जीरो आएगा, मतलब जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे चूंकि ए क्रॉस बी और सी पैरेलल मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए इसका जो है जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। ए डॉट आई, उसका जो है आई बाहर लिखा हुआ, फिर ए डॉट जे बाहर लिखा हुआ जे, फिर ए डॉट के बाहर लिखा हुआ के इज इक्वल टू वाट। ध्यान रखिएगा जो बाहर ए डॉट आई चूंकि एक नंबर होता है ना, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ए डॉट आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ए डॉट आई तो एक स्केलर है ना, तो स्केलर है, स्केलर मल्टीपल लिखा हुआ आई का। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकाल ली मैं, चलिए कुछ देर के लिए मैं ए को मान लेता हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ए इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए ए डॉट आई जो हमारा आएगा ना वो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो हमारा ए डॉट जे आएगा वो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और जो हमारा ए डॉट के है वो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अब बाहर के, अब मैं इसमें वैल्यूज रखता हूँ जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ जाएगा। ठीक है ना, और एक्स आई कैप प्लस वाई, ये समझ रहे हैं ना आप, ए डॉट आई को अभी आपने कहा क्या कहा, एक्स कहा, और ए डॉट जे को आपने क्या कहा, वाई कहा, ए डॉट के को आपने जेड कहा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ गया, और जो कि किसके बराबर है, जो कि हमारे वेक्टर ए के बराबर है, जो कि हमारे किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। इसका मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा वो वेक्टर ए आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, इसको थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 70, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द लाइन वाई माइनस वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वन कट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एट टू रियल पॉइंट्स। मैं इसको समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक सर्कल का इक्वेशन मैं अगर ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैं कहूँगा ये लाइन इसको दो पॉइंट पर कब कट करेगी,
ये लाइन जो है हमारी, मान लीजिए मैं लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जब टेंजेंट का टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, तब आपको सिखाया जाता है कि टेंजेंट कब बनता है, टेंजेंट कब बनता है, जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस ई एम स्क्वायर, ये होल्ड करता है। और ये सिकेंट कब बनेगा, मतलब ये लाइन कट कट कब करेगी, जब हमारा सी स्क्वायर लेस देन होगा ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर से। तो ये कंडीशन मैं इस पर लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं दो पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो देखिए जो लाइन का इक्वेशन है वो कितना है, वाई इज इक्वल टू वन और एम एक्स माइनस एम, मतलब इसको अच्छे से लिखें तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन माइनस एम। ये किस टाइप का हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का हो गया। तो यम की वैल्यू तो यम ही है, और सी की वैल्यू ये हो जाएगी, ये सी की वैल्यू हो जाएगी, ये यम की वैल्यू हो जाएगी। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया हमने, ठीक है। और जो सर्कल का इक्वेशन है वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर जो फोर है वो किसका काम करेगा, ए स्क्वायर का काम करेगा। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख देता हूँ, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन माइनस एम का होल स्क्वायर, वो लेस देन होना चाहिए ए स्क्वायर का, मतलब फोर, और वन प्लस एम स्क्वायर से। इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से वन प्लस एम स्क्वायर माइनस टू एम आएगा, लेस देन फोर प्लस फोर एम स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करें, राइट में सबको ले लीजिए, फोर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम, और फोर माइनस वन थ्री, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसका इसका ए जो है ना, लीडिंग कोफिशियंट जो है वो पॉजिटिव है, और इसका जो विविक्तक निकालेंगे, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब फोर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू थ्री, वो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। तो जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करना हो, और इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो आपको पॉजिटिव दिखे, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव दिखे, तो इसका सोल्यूशन आपको क्या लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या लिखना है आपको, एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों लिखना है आपको, क्योंकि जो है देखिए अगर इसका फिगर बनाना चाहें तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, और चूंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो मतलब एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो हमेशा कुछ भी आप एक्स की वैल्यू लेंगे तो वहां पर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन जीरो आएगी, मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने एम है, इनफाइनाइट एम है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एम बिलोंग्स टू आर। तो ये देखिए क्या कहना चाहते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और ऑप्शन उसके हिसाब से लगाएंगे हम लोग। पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एम, कितनी वैल्यूज हैं कि उसके लिए ये वाली जो लाइन है ये इस सर्कल को दो पॉइंट पर कट करेगी, तो ऐसे कितने कितनी वैल्यूज हो जाएंगी एम की, इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हों तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमको बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।